हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सेस में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। अब हमें शुरू करना है हमारा थर्ड पॉइंट। स्टार्टिंग के दो पॉइंट्स हमने पार्ट 1 में पढ़ लिए थे, तो इस पार्ट में हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स का क्या स्कोप होता है। स्टडी ऑफ द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड, जब हम स्टैटिस्टिक्स के स्कोप के बारे में पढ़ते हैं तो हमें तीन चीजें पढ़नी है उसमें। एक तो नेचर पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स का, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा पढ़ना है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, की सब्जेक्ट मैटर क्या है स्टैटिस्टिक्स में, और लास्ट पढ़ना है हमें स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस, की कमियां क्या है उसमें। तो नेचर से हम स्टार्ट करते हैं। तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि नेचर क्या है स्टैटिस्टिक्स का। देखो, जो स्टैटिस्टिक्स होता है ना, वो साइंस भी होता है और आर्ट्स भी होता है। मतलब साइंस की तरह हम उसमें सारे न्यूमेरिकल डाटा उसको पूरा साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ते हैं, और आर्ट्स की तरह हम जितना भी डाटा होता है उससे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। जो भी डाटा मिलेगा उससे हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो साइंस और आर्ट्स दोनों होती है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ठीक है, समझ आ गई होगी लाइन। एज अ साइंस स्टैटिस्टिक्स स्टडीज न्यूमेरिकल डाटा इन अ साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर, कि जब साइंस की तरह काम करता है तो वो साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में सारा डाटा स्टडी करता है। एज एन आर्ट स्टैटिस्टिक्स रिलेट्स टू क्वांटिटेटिव डाटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम, और जो जब आर्ट्स की तरह डील करता है तो जो भी हमारा डाटा निकल के आता है उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम से हम रिलेट कर लेते हैं। बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा वी आर एबल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स मच बेटर देन अदरवाइज, कि जब हम स्टैटिस्टिकल डाटा का यूज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, उनको ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं जब भी हम स्टैटिस्टिकल डाटा का यूज करते हैं। Thus, the problem of unemployment in India is more meaningfully analyzed when the size of unemployment is supported with quantitative data. अगर हमें, मान लो हम स्टडी कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है इंडिया में उसके बारे में, तो जब हम उस हमारे पास उससे रिलेटेड कोई भी क्वांटिटेटिव डाटा होगा, क्वांटिटेटिव डाटा मतलब मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, तो हम उसको इजीली समझ पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों चल रही है, तो वो हमारे लिए इजी रहेगा। तो नेचर का मतलब यही है कि जो साइंस स्टैटिस्टिक्स है वो एज अ साइंस और एज वेल एज एन आर्ट दोनों तरह से काम करता है। स्टैटिस्टिक्स साइंस भी होता है और आर्ट्स भी होता है। सेकेंड पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि हमें जो दूसरा पढ़ना था स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में वो था सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम पहला पॉइंट, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू दोज मेथड विच आर यूज फॉर द कलेक्शन प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालाइजिस ऑफ डाटा। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद जब हम उसको एनालाइज करते हैं, उस टाइम पे ये मेथड यूज होता है। दीज मेथड रिलेट टू सच एस्टिमेशन एज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। कहाँ यूज होता है ये, जब हम एवरेज, मीन, मीडियन और मोड निकालते हैं तब ये यूज होता है। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन के टाइम पे भी यूज होता है, जब हम मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब चीजें निकालते हैं, और मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, जब हम कोरिलेशन निकालते हैं तब भी ये यूज होता है। अब ये सब क्या होता है और हम ये सब कैसे निकालते हैं, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें पूरे पूरे क्वेश्चन करने हैं, इसके ऊपर हमें पूरा निकालना है। देखो डिस्क्रिप्टिव ये सब कहाँ यूज होगा, कि देखो मान लो एग्जाम्पल है कि अगर आपको क्या निकालना है, कि मार्क्स निकालने हैं बच्चों के साइंस और मैथ्स में, ठीक है, साइंस और मैथ्स में बच्चों के मार्क्स निकालने हैं, कौन सी क्लास के, सारी क्लासेस के, इनका हमें एवरेज चाहिए, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो हम उसमें ये किसके अंदर आएगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। देखो अगला क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब ये क्या होती है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ये स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू ऑल सच मेथड बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन सैंपल। देखो यहाँ पे जो
यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मतलब है ना, ये पता है किससे रिलेटेड है? मतलब मान लो आपको कुछ डाटा निकालना है कि आपको एवरेज वेट निकालना है किसका, इंटायर क्लास का। तो ये इंटायर क्लास का मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स और पॉपुलेशन, यार यूनिवर्स और पॉपुलेशन, तो ये इस इंटायर क्लास का मतलब है यूनिवर्स और पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो, अब एवरेज वेट निकालना है टीचर को पूरी क्लास का, तो टीचर क्या करेगी, टीचर कैसे निकालेगी एवरेज वेट? टीचर दो तीन बच्चों से पूछ लेगी कि उनका वेट कितना है, तो उस बेस पे वो सैंपल मेथड से यानी कि सैंपलिंग करके एक सैंपल बना लेगी कि दो तीन बच्चों का वेट है 30 kg, तो वो एवरेज वेट लिख देगी कि एवरेज वेट हमारी क्लास का कितना है 30 kg। उसने सारे बच्चों का नहीं देखा कि फर्स्ट का 30 है, सेकंड का 40 है, फिर इसका 50 है, फिर इसका एवरेज निकाल रहे हैं, नहीं उसने ऐसे नहीं किया। उसने क्या किया, उसने सिर्फ एक दो बच्चों से पूछा और उन दोनों का वेट निकला 30 kg, तो उसने एवरेज निकाल दिया कि 30 kg था, हमारी पूरी क्लास का वेट कितना है 30 kg है एवरेज वेट, ठीक है। तो सैंपल मेथड में यही होता है कि आप एक दो से पूछो और उस बेसिस पे आप पूरा आंसर दे दो। तो जब आप सैंपलिंग करोगे तो वो कौन सी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगी, समझ आएगी। थर्ड पॉइंट था लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि अब स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, तो हमें इनकी लिमिटेशंस पढ़नी है। एक मिनट, पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें हम सिर्फ वो फैक्ट्स पढ़ते हैं जो न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखे होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे। उसमें हम लोग जितने भी क्वालिटेटिव फिनोमेना होते हैं जितने भी, वो सब हम नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, ये सब चीजें नहीं पढ़ते। जो भी न्यूमेरिकल टर्म्स में होंगी सिर्फ हम वही फैक्ट्स पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली सच फैक्ट्स एज कैन बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स, कि सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को पढ़ती है स्टैटिस्टिक्स जो न्यूमेरिकल टर्म्स में होंगी। इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमेना लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पेट्रियोटिज्म, जस्टिस एटसेट्रा, कि क्वालिटेटिव फिनोमेना जितने भी होते हैं जैसे ऑनेस्टी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, विजडम हो गया, हेल्थ हो गई, ये सब चीजें नहीं पढ़ी जाती हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को पढ़ता है, बाकी चीजें इग्नोर करता है। अगला पॉइंट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, मतलब इसमें सिर्फ एग्रीगेट्स यानी कि बहुत सारे चीजों की जब हम बात करेंगे तभी हम इसको पढ़ पाएंगे। एक सिंगल यूनिट पे हम स्टैटिस्टिक्स को नहीं स्टडी करते हैं। स्टैटिस्टिक स्टडीज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, कि जो भी क्वांटिटेटिव फैक्ट्स होंगे उनका जो एग्रीगेट होगा यानी बहुत सारे होंगे तभी हम उनको स्टडी करेंगे। इट डज नॉट स्टडी स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर यूनिट, सिंगल पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको बोला है कि आपके टीचर की जो मंथली सैलरी है वो कितनी है, 50,000 rupees है, ये हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं स्टडी करेंगे जब तक हमें ये नहीं बोला जाएगा कि ऑल टीचर्स, कि सारे टीचर्स की सैलरी कितनी है, 50,000 है या 40,000 है या जितनी भी है, तब हम उनको कंपेयर करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। एक सिंगल पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी स्टैटिस्टिक्स में नहीं होती है। एक तो ये स्टैटिस्टिक्स बोलना इतना मुश्किल है। अगला पॉइंट है सी पॉइंट, होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट, इसका क्या मतलब है कि टू कंपेयर डाटा इट इज एसेंशियल दैट स्टैटिस्टिक्स आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी, डाटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटीज एंड काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर हाइट गिवन है किसी पर्टिकुलर पर्सन की, कि राम की हाइट गिवन है कि वो 5 feet टॉल है, ये तो बहुत छोटा हो गया वैसे, चलो 6 feet मान लो, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है 6 feet है, और किसी और की वेट दे रखे, मान लो शाम का हमें वेट दे रखा है 50 kg है, तो क्या हम इनका कंपैरिजन कर पाएंगे? हम इनका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो
जिस चीज का हमें कंपैरिजन करना है वो दोनों ही यूनिट अलग अलग है। हाइट है तो हाइट ही गिवन होनी चाहिए, अगर वेट निकालना है तो वेट ही होना चाहिए। तो होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट की डाटा जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, उनकी क्वालिटी डाइवर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तब हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है डी पॉइंट, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, कि रिजल्ट्स सिर्फ एवरेज पे ट्रू होते हैं। मतलब जो स्टैटिस्टिकल का डाटा है वो ये नहीं है कि हमेशा वो सही ही होगा। फॉर एग्जांपल कि एक हमने एक एवरेज इनकम पे डाटा निकाला है कि पूरे इंडिया की जितनी भी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उनकी एवरेज इनकम कितनी है। हमने निकाला कि 50,000 उनकी एवरेज इनकम है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी इनकम 50,000 से कम होगी और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी इनकम 50,000 से ज्यादा होगी। तो ये सिर्फ एवरेज हमें बताता है, एवरेज वैल्यू सही बताता है, हम इसका पूरा डाटा एक्चुअल में पूरा सही नहीं मान सकते। देखो मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स आर ट्रू ओनली एज एवरेज, कि सिर्फ एवरेज पे ट्रू होती हैं। दे एक्सप्रेस ओनली द ब्रॉड टेंडेंसीज, ब्रॉड टेंडेंसीज को ही वो एक्सप्रेस करती हैं। अनलाइक द लॉ ऑफ नेचुरल साइंसेज स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन आर नॉट एरर फ्री, कि एरर फ्री नहीं होती है ये, इसमें गलतियां होती हैं बहुत ज्यादा। दे आर नॉट ऑलवेज वैलिड अंडर ऑल कंडीशन, ये हर कंडीशन में वैलिड नहीं होती है। कि हमने मान लिया इनकम है 50,000 तो ये सही है क्या? नहीं, ये हमेशा सही नहीं है, किसी की कम भी होगी और किसी की ज्यादा भी होगी। सब थोड़ी ना इंडिया में हर एक ईच पर्सन इंडिया में 50,000 थोड़ी कमा रहा है, कुछ कम भी कमा रहे हैं, कुछ ज्यादा भी कमा रहे हैं। तो रिजल्ट्स इसमें सिर्फ एवरेज पे ट्रू होते हैं, वैसे हमेशा ट्रू नहीं होते हैं। अब ई पॉइंट है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग, कि बिना रेफरेंस के रिजल्ट्स गलत भी हो सकते हैं। In order to understand the conclusions under which these conclusions have been drawn are also studies, otherwise they may prove to be wrong. कि अगर हमें conclusion को understand करना है तो ये मतलब क्यों ये conclusion आए, किस base पे आए, किस study पे आए, ये जानना बहुत जरूरी है, वरना जो हमारा conclusion निकलेगा, जो हमारा answer निकलेगा, वो गलत निकल सकता है। अगर मैं आपको एक example के साथ पढ़ाऊं, देखो एक क्लोथ इंडस्ट्री है, उसका प्रॉफिट है एक साल का प्रॉफिट है उसका 1,00,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है उसका 2,00,000, तीसरे साल का प्रॉफिट है उसका 3,00,000। इसका तुम एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? 2,00,000 आएगा इसका एवरेज, सिंपल सा है, ठीक है। इसका एवरेज कितना आएगा? 2,00,000। अब एक दूसरी इंडस्ट्री है पेपर इंडस्ट्री, इसका क्या प्रॉफिट है? इसका पहले साल का प्रॉफिट 3,00,000, दूसरे साल का प्रॉफिट 2,00,000 और तीसरे साल का प्रॉफिट 1,00,000। अगर तुम इसका एवरेज निकालोगे, जो कि हम हमेशा स्टैटिस्टिक्स में करते हैं कि एवरेज ही निकालते हैं, तो इसका भी एवरेज आएगा 2,00,000। लेकिन यहां देखो, ये पहले साल 1,00,000, दूसरे साल 2,00,000, तीसरे साल 3,00,000, इसका जो प्रॉफिट है हर साल क्या 1,00,000 बड़ा है। और इसका प्रॉफिट देखो, पहले साल 3,00,000, दूसरे साल 2, तीसरे साल 1, इसका प्रॉफिट हर साल घटा है। इसका क्या हुआ है? इसका इंक्रीज हुआ है और इसका डिक्रीज हुआ है। लेकिन स्टैटिस्टिक जब हमने किया, मतलब हमने जब स्टैटिस्टिक्स का यूज किया, तो हमारा एवरेज तो 2,00,000 ही आया दोनों का, लेकिन कंक्लूजन में हमने ही बता दिया कि दोनों का प्रॉफिट कितना है एवरेज 2,00,000। लेकिन हम ये बताना भूल गए क्योंकि हमने ढंग से स्टडी ही नहीं किया, हमने कंक्लूजन्स पे ध्यान ही नहीं दिया कि कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, कि उसका हर साल का प्रॉफिट घट रहा था, आगे आने वाले टाइम में वो और घटेगा। पेपर इंडस्ट्री फॉल हो रही थी, इसमें फॉल आ रहा था इसके प्रॉफिट में, इसकी ग्रोथ, इसकी प्रोग्रेस रुक गई थी, ठीक है, डिक्लाइन हो रहा था इसकी प्रोग्रेस में, और ये इंक्रीज हो रही थी। हमने दोनों का ही निकाल दिया 2,00,000, हमने पूरा कंक्लूजन, हमने पूरी स्टेटमेंट ढंग से पढ़ी ही नहीं स्टैटिस्टिक्स में। तो अगर हमारे पास रेफरेंस नहीं होगा पूरा क्लियर, तो रिजल्ट जो आएंगे वो गलत आ सकते हैं, कि इसमें
2 लाख कंक्लूजन निकाल दिया है कि दोनों इंडस्ट्री का प्रॉफिट 2 लाख है, दोनों सेम तरीके का काम करती है, लेकिन ऐसा है तो नहीं ना। क्लोथ इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट में जा रही है अच्छे और इंक्रीज कर रही है उसकी ग्रोथ, लेकिन पेपर इंडस्ट्री तो डिक्लाइन कर रही है ना। तो ऐसा होता है स्टैटिस्टिक्स में। अगला पॉइंट है कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है वो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही निकाल सकते हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होती है, यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स की नॉलेज होती है। अलग से एक पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, तब जाके वो निकाल पाते हैं। ऐसी कोई स्टैटिस्टिकल डाटा निकालने जाएगा तो वो सही नहीं निकाल पाएगा। स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज ओनली बाय दोज पर्सन हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसको स्पेशल नॉलेज होगी स्टैटिस्टिकल मेथड्स की। दोज हु आर इग्नोरेंट अबाउट दीज मेथड्स कैन नॉट मेक सेंसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिनको नहीं पता होगा इन मेथड्स के बारे में वो सही डाटा नहीं निकाल पाएंगे। अगला है प्रोन टू मिसयूज, स्टैटिस्टिकल डाटा का बहुत मिसयूज होता है। मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है। स्टैटिस्टिक्स में यूज टू सपोर्ट अ प्री ड्रॉन कंक्लूजन इवन व्हेन इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। स्टैटिस्टिक्स की वजह से प्री ड्रॉन कंक्लूजन निकलता है, मतलब डाटा आने से पहले ही हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, जो कि बिल्कुल ही जब निकल के आता है तो क्या होता है गलत। When it is absolutely false. अब हमारा फोर्थ और लास्ट टॉपिक है what statistics does, कि statistics क्या करता है, यानी कि इसके functions और importance हमें बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कोई सी भी प्रॉब्लम हो उसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताते हैं। क्वांटिटेटिव टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। कंसिडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बी इट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, और द प्रॉब्लम ऑफ श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो, प्राइस बढ़ने की प्रॉब्लम हो, या एक्सपोर्ट्स कम होने की प्रॉब्लम हो, द फर्स्ट टास्क ऑफ द इकोनॉमिस्ट इज टू अंडरस्टैंड इट्स मैग्नीट्यूड थ्रू इट्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। कि पहला काम क्या होता है इकोनॉमिस्ट का, कि उस पूरी प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में लिखिए और उसको समझे कि क्या करना है। मान लो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वी मेक इट्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना है तो हम इसकी क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में लिखेंगे कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है हम कह सकते हैं 20%, 20% हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड है। ये हो गई एक तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि 2005 से बीच से लेके 2019 तक जो हमारे अनएम्प्लॉयड पर्सन थे वो बढ़े हैं, 9.4% से बढ़ गए। कितने परसेंट हो गए? 18% हो गए। ये भी एक इंफॉर्मेशन हो गई। तो ऐसे करके इकोनॉमिस्ट पूरी क्वांटिटेटिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन बनाते हैं। अगला पॉइंट आता है इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्परल कंपैरिजन। इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्परल कंपैरिजन। इकोनॉमिस्ट डू नॉट स्टॉप मेयरली एट द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सिर्फ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन बना लेने से कोई सॉल्व नहीं होती, और इकोनॉमिस्ट वहीं नहीं रुकते। वो क्या करते हैं, दे वुड ट्राई टू फर्दर कॉम्प्रीहेंड इट थ्रू इंटरसेक्टरल कंपैरिजन। वो आगे क्या करते हैं, इंटरसेक्टरल कंपैरिजन करते हैं। अब ये क्या होता है, वी मीन कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कि हमारी इकोनॉमी में जो अलग अलग सेक्टर्स हैं हम उसमें कंपैरिजन करते हैं। दस एनालाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के बारे में ही सोचें, उसी को एनालाइज करें, तो क्या करेंगे इकोनॉमिस्ट, द इकोनॉमिस्ट वुड लाइक टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रूरल एरिया एंड अर्बन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो वो रूरल एरिया और जो अर्बन एरियाज है इकोनॉमी के, वहां देखेंगे, वहां चेक करेंगे कि दे वुड लाइक टू नो व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड। की रूरल पॉपुलेशन की कितनी परसेंटेज अनएम्प्लॉयड है एज कम्पेयर टू अर्बन पॉपुलेशन की, मतलब रूरल के यहाँ अर्बन के यहाँ के मुकाबले कितने ज्यादा पीपल अनएम्प्लॉयड है। इंटरटेम्परल कंपैरिजन क्या होता है, मींस अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम। की एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कितना चेंज आया उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, कि अनएम्प्लॉयमेंट में कितना चेंज आया बाद में। दिस वुड मीन मेकिंग, मतलब कि 2005 से लेके जो मैंने बताया कि 2019 के बीच में कितना चेंज आया, क्या चेंज आया, ये भी पढ़ना। इसको इंटरटेम्परल बोलते हैं, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इंटरसेक्टरल सेक्टर्स में कंपैरिजन करना, ठीक है। इंटरसेक्टर हो गया सेक्टर्स में और टेम्परल टाइम में। This would mean making a comparison over different plan periods of the rural and urban employment, unemployment. की
टाइम पीरियड, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अर्बन में और रूरल में क्या चेंज आया, ठीक है। ये होता है इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्परल। सी है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा, कि डाटा के कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप्स को भी फाइंड आउट करना इकोनॉमिस्ट का काम होता है और वो करते हैं। दिस इनेबल देम टू अटेम्प्ट एन इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंगली टू सजेस्ट सम इफेक्टिव रेमेडीज, कि इससे उनको पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, मतलब क्या दिक्कत आ रही थी, क्या दिक्कत थी, और वो फिर कुछ अच्छे आइडियाज देते हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। दस थ्रू देयर स्टैटिस्टिकल स्टडीज इफ द इकोनॉमिस्ट कम टू नो दैट इट इज बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन डिमांड दैट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी हैज टेंडेड टू श्रिंक, दे कैन सजेस्ट द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट सच मेजर्स एज वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमिस्ट को मान लो ये पता चल गया कि डिमांड में कमी की वजह से इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, जो प्रोड्यूसर्स करते हैं ना इन्वेस्टमेंट ताकि उनके असेट्स इंक्रीज हो सके, तो डिमांड में कमी की वजह से इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, अगर इकोनॉमिस्ट ये फाइंड कर ले, यानी कि उन्होंने डायग्नोस कर ली प्रॉब्लम कि डिमांड में कमी थी इस वजह से इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही थी, डायग्नोशन हो गया, अब वो क्या करेंगे, रेमेडीज देंगे, सॉल्यूशन देंगे, किसको, गवर्नमेंट को उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस दिए, मेजर्स एज वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी, की जिस वजह से हमारी इकोनॉमी की डिमांड जो है, जो भी जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड है जिसमें इन्वेस्टमेंट की कमी थी उसकी डिमांड अगर बढ़ जाए तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, तो इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को सजेशन देंगे। तो वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब यही है कि प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, फिर उसके लिए मेजर्स बताना, रेमेडीज ढूंढना और गवर्नमेंट को आइडियाज देना है कि ऐसा ऐसा करो तब हमारी जो ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। अगला पॉइंट है डी पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक मॉडल की कंस्ट्रक्शन करना। इकोनॉमिक थ्योरी, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, कि ये एक एस्टैब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है किन चीजों के बीच में, बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा के डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं उनके बीच में, ऑफरिंग कंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, जो कि कंक्लूजन बता रहे हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का। नहीं समझ आया होगा, देखो द वेल नोन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, कि हमें पता है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों हमें पता है कि प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि मोर इज परचेज्ड व्हेन प्राइस फॉल्स, हम तब ज्यादा खरीदेंगे जब हमारा जो प्राइस है वो गिरेगा। इज एन एस्टैब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, ये एक एस्टैब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है एंड देयरफॉर इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, और ये इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट है, इसके बेस पे हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। यही तो बताया था ऊपर की इकोनॉमिक थ्योरी क्या होती है, एस्टैब्लिश स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप होता है किन चीजों के बीच में, डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा के बीच में, और डिफरेंट सेट्स क्या, ये प्राइस और डिमांड हो गए हमारे डिफरेंट सेट्स, ठीक है। समझ आया कि मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कहते हैं, इकोनॉमिस्ट डू फोरकास्ट थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडीज, की इकोनॉमी जो है फ्यूचर का थोड़ा बहुत फोरकास्ट कर लेते हैं स्टैटिस्टिकल स्टडीज के द्वारा, मतलब फ्यूचर का फोरकास्ट मतलब एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन नहीं कि ऐसा ही होगा, वो थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं, जो जिस चीज पे वो इतने सालों से रिसर्च कर रहे होते हैं, 3-4 साल से रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि वो चीज कैसे वर्क कर रही है, तो वो ये भी बता सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में वो चीज थोड़ा बहुत कैसे वर्क कर सकती है, वो चेंज भी हो सकती है लेकिन वो थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। इकोनॉमिस्ट डू फॉर फोरकास्टिंग थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडीज, बाय द टर्म फोरकास्टिंग वी डू नॉट मीन सम एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस, वी ओनली मीन टू असेस एंड एसर्टेन द फ्यूचर कोर्स ऑफ सर्टेन इवेंट्स विच आर ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, फ्यूचर कोर्स ऑफ सर्टेन इवेंट्स, हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं, हम पूरा 100% करेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा ही होगा। अगला है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, की फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज मतलब पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट की जाती है, पॉलिसीज कैसे बनाई जाती है,
हाउ डज द फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड टू इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेशन एज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, कि जो टैक्सेशन है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर कैसे डिसाइड करता है कि उसको बढ़ाऊं या उसको घटाऊं। टैक्सेशन यानी कि जो इनकम टैक्स वगैरह जो भी टैक्सेस लगते हैं उसको वो फाइनेंस मिनिस्टर कैसे डिसाइड करेगा कि उसको बढ़ाऊं कि घटाऊं। थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडीज, स्टैटिस्टिकल स्टडीज के थ्रू वो ये डिसाइड करेगा। इट इज थ्रू स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन दैट द फाइनेंस मिनिस्टर गेट्स अ फीडबैक ऑन द टैक्स पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल। कि पहले तो वो उसको फीडबैक मिलेगा कि टैक्स पेइंग कैपेसिटी कितनी है पीपल की, कि लोग कितना टैक्स पे कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, कितना पे कर सकते हैं वो, एंड रेवेन्यू नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। और फिर वो ये देखेगा कि गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू चाहिए। गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आता है वो ज्यादातर टैक्स से ही आता है, जो टैक्स पेयर्स हैं उसी से ही आता है। तो वो पहले ये देखेगा कि जो कैपेसिटी है किसी पर्टिकुलर पर्सन की वो कितनी है टैक्स पे करने की और गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू चाहिए। ठीक है, accordingly tax rates are fixed, उसके बाद tax rates जो है वो fix किए जाएंगे to get maximum possible revenue with minimum possible discomfort to the people। ऐसे tax rate fix किए जाएंगे जिससे कि किसी भी particular person को कम से कम discomfort हो, कि मतलब चलो वो इतना tax pay कर लेगा और government को maximum से maximum उसको revenue मिल सके। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे टैक्सेशन डिसाइड करता है, ऐसे टैक्स पॉलिसी डिसाइड करता है कि वो देखता है कि टैक्स पेयर्स कितना पे कर सकते हैं और गवर्नमेंट को कितनी नीड है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस फॉर द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर, जहां पे प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर है उनको, यानी प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है और जो कंज्यूमर है उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो उसको, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, जहां पे प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट एंड कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस फॉर द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर वेयर द प्रोड्यूसर फाइंड दैट हिज प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम। इसका प्रॉफिट कितना है मैक्सिमम, और वेयर द कंज्यूमर, जहां पे कंज्यूमर क्या डिसाइड फाइंड करता है कि उसका जो सेटिस्फेक्शन है मैक्सिमम। जब प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा उसके लिए इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम हो गया, जब कंज्यूमर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा उसके लिए ये इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इस चैप्टर में जितना भी पढ़ाया वो सब समझ आ गया होगा आई होप। कि और कुछ डाउट है तो कमेंट में बता देना, मैं क्लियर कर दूंगी। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियोज भी देख सको।